नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष 19 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन पे बहुत सारे अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है। सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है, श्रवण नक्षत्र भी इस दिन है। अब ये सारे योगों के बावजूद भद्रा का साया रक्षाबंधन पे रहेगा तो बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि किस समय पर राखी बांधना उपयुक्त होगा, किस तरह से हम भद्रा के समय को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ और रक्षाबंधन पे कुछ दो तीन छोटे छोटे उपाय जो बहन और भाई दोनों कर सकते हैं, कैसे उन दोनों का रिश्ता भी अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में भाई और बहन दोनों की ग्रोथ आगे बनेगी, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि 19 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है। 19 अगस्त को ये तिथि शुरू होगी 3:04 सुबह से लेकर ये चलेगी 19 अगस्त रात को 11:55 तक। तो अब उदया तिथि के हिसाब से देखें तो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी है और दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर ना माता लक्ष्मी के निमित्त बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, व्रत रखा जाता है, तो 19 अगस्त को ये सारे कार्य आपने करने हैं। ये मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि इस रक्षाबंधन पर 4 योग बन रहे हैं जिसमें सर्वार सिद्धि योग, शोभन योग या जिसको सौभाग्य योग भी कहते हैं, रवि योग और श्रवण नक्षत्र का भी संयोग है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि है तो वो तिथि वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। भद्रा की पहले समझ लीजिए कि किस समय से शुरू होगी भद्रा। भद्रा तिथि शुरू होगी 18 अगस्त को रात 2:21 पर, यानी जब 19 अगस्त को 3:04 पर हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू होगी ना, तो उस समय पर भद्रा तिथि का प्रारंभ हो चुका होगा। इससे पहले कि भद्रा का इम्पैक्ट बताऊं, दो चीज़ें और बताना चाहूँगा क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि भद्रा पुंच और भद्रा मुख, ये दोनों का समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भद्रा पुंज का समय है वो है 9:51 से लेकर 10:53 तक 19 अगस्त को, और भद्रा मुख जो है 10:53 से 12:37 तक दोपहर को। और ये भद्रा तिथि का जो अंत होगा वो होगा 1:30 पर। दोस्तों, भद्रा का वास पाताल में है इस बार और भद्रा तिथि का जो अंत हो रहा है वो हो रहा है 1:30 दोपहर को 19 अगस्त को। अब दोस्तों, सबसे बेस्ट ये रहता है कि भद्रा का समय अवॉइड किया जाए, इस समय पर राखी बांधना यानी 1:30 दोपहर के 19 अगस्त को से पहले राखी बांधना सलाह नहीं दी जाती, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको भी लॉन्ग टर्म सोचना है भाई और बहन दोनों के रिश्तों के लिए, तो बेटर है आप 1:30 के बाद बांध लें। अब सवाल ये उठता है कि किस समय पर मुहूर्त होगा, तो दो मुहूर्त बता रहा हूँ आपको। पहला मुहूर्त जो राखी बांधने का है अपराह्न मुहूर्त, क्योंकि दोपहर के समय राखी बांधना सबसे बढ़िया माना जाता है, वो होगा दोपहर को 1:42 से लेकर शाम 4:19 तक। अब इसके अलावा आप प्रदोष काल में भी राखी बांध सकते हैं जिसका समय रहेगा 6:55 शाम से लेकर 9:07 शाम तक। तो दोस्तों, मैंने आपको दो अलग अलग समय बता दिए, अपराह्न का काल या प्रदोष काल। आप इन दोनों में बांधने तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1:30 के बाद और 9:07 तक अप्रॉक्सीमेटली इसका सबसे बढ़िया टाइम है, तो इतने टाइम में आप राखी बांध लें। ये तो हो गई बात आपके मुहूर्त की, भद्रा का किसी भी तरह का इसके बाद वहम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीन उपाय आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ जो किए जा सकते हैं रक्षाबंधन पे। सबसे पहले तो ये है कि सभी बहनें अपने भाई को एक पानी वाला नारियल
जिसको जटा नारियल कहते हैं, वो बहन जब राखी बांधे उसके साथ ही वो नारियल भाई को दे। भाई वो नारियल का प्रयोग अपने घर पर कर सकता है या अपने पास रख सकता है, जैसे भी है उसका प्रयोग कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई को मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी रह रही है, तो उसमें फिर ये नारियल की बजाय मैं दूसरा रिकमेंड करूँगा, आप क्या करिए, जो हरा वाला नारियल होता है, जो नारियल पिया जाता है नारियल पानी वालों के पास, आप वो एक हरा नारियल जो बहने हैं वो भाई को दे दें। भाई उस नारियल को 24 घंटे तक अपने पास रख ले, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे बीतते ही वो नारियल जल प्रवाह करना है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत पहले जल प्रवाह कर सकते हैं, यानी 20 घंटे बाद, 22 घंटे बाद, यानी 19 अगस्त को आपने नारियल जिस समय पर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 20 अगस्त को सुबह आप वो जल प्रवाह कर दें, अगर भाई को मानसिक समस्याएं आती हैं उस समय पर। फिर ये नारियल वाला जो जटा नारियल वाला उपाय है वो नहीं करने की ज़रूरत। दूसरी चीज़ बहनों को क्या करना चाहिए कि भाई की नज़र उतारें देसी फिटकरी से, फिटकरी लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, भाई के सर से लेकर पैर तक 7 times एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ये घर के बाहर फेंक दीजिए। ये दूसरा उपाय हो गया। ये दो चीज़ें बहनें कर सकती हैं। अब भाई की तरफ से बहन को क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा अपनी बहन को अगर हरे वस्त्र या हरी चूड़ी या दोनों, और इसके साथ कुछ भी रुपए और सफ़ेद मिठाई अगर आपके लिए संभव हो तो भाई बहन को उपहार के तौर पर दे। तो ये हो गया दोनों तरफ से क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर भाई बहन बहुत दूर रहते हैं, आपस में उनका मिलना नहीं हो पा रहा, राखी भी जो भेजी गई वो बाय पोस्ट गई एट्सेट्रा, तो ऐसी स्थिति में बहनों के लिए एक कार्य एडिशनल वो कर सकती हैं, अगर वो भाई की और प्रगति चाहती हैं, सुख समृद्धि चाहती हैं, तो ये किया जा सकता है, अपने घर के आसपास हनुमान जी के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में एक राखी और लीजिए, वो राखी आप वहाँ पर दे के आइए, साथ में जो प्रसाद है वो चढ़ा कर आइए और भाई की प्रगति के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। तो ये उपाय भी आपको, जो दूर है भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, बहनें उपाय नहीं कर पा रही, तो वो ये उपाय कर सकती हैं, तो उससे ये बेटर हो जाएगा, भाई की प्रगति भी हो गई और बहन के लिए, अब भाई दूर रह रहा है अब वो क्या करे, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है किसी भी किन्नर को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ और कुछ जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, और बहन को तो जो आप दे रहे हैं भेज दिया आपने वो तो है ही है, उसके एडिशनल आप ये कर सकते हैं। तो बहन और भाई चाहे वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं लेकिन उनके उपाय हो जाएंगे, बहन का मंगल अच्छा हो जाएगा, भाई का बुध अच्छा हो जाएगा, और मंगल और बुध जहाँ अच्छे हो गए, बुध व्यापार का भी कारक माना जाता है, बुध वाणी का भी कारक माना जाता है, मंगल अच्छा हो गया तो मांगलिक कार्य घर में होने शुरू हो गए, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।